ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग राइटर हैं मनोज मंतशिर, उन्होंने फिल्म के विवाद को लेकर अब माफी मांगी है। ये बड़ी जानकारी, माफी मांगी है मनोज मंतशिर ने ट्वीट कर बाकायदा। मनोज मंतशिर ने ट्वीट पर क्या लिखा है, ट्वीट कर लिखा है कि मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदिपुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाइयों बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्रीराम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। उन्होंने आगे लिखा है कि भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति प्रदान करें। मनोज मंतशिर शुक्ला, उनका ट्वीट हम आपको पढ़वा रहे थे। उन्होंने बाकायदा स्वीकारा है कि फिल्म आदिपुरुष से जनभावनाएं आहत हुई हैं, ट्वीट किया, माफी मांगी, आदिपुरुष विवाद को लेकर माफी मांगी मनोज मंतशिर शुक्ला ने। तो आदिपुरुष के रिलीज होते ही ये फिल्म विवादों में घिर गई थी, इसके डायलॉग्स को लेकर कई सवाल खड़े हुए। उसके बाद हालांकि मनोज मंतशिर ने सफाई भी दी थी, जी न्यूज के साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मनोज मंतशिर ने आदि पुरुष विवाद के बाद ये माफी मांगी है। क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट में लिखा है कि मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाइयों, बहनों, बड़ों से, पूज्य साधु संतों से, श्रीराम के तमाम भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त के क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दे। यह मनोज मंतशिर शुक्ला ने ट्वीट करके लिखा है, उन्होंने अब माफी मांगी है। इसके बाद आपको बता दें, इसके पहले मनोज मंतशिर को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था। उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे आदिपुरुष के, जैसे ही फिल्म रिलीज हुई विवादों में घिर गई और डायलॉग्स को भी हालांकि हटा दिया गया है, उनको रिप्लेस कर दिया गया है। तो हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं, हमें एक रहकर अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन को महान देश की सेवा करने की शक्ति दे। तो किस तरीके से विवाद छिड़ा था इस फिल्म के डायलॉग्स को लेकर, जन जन की भावनाएं जो थी वो आहत हुई थी, आस्था पर भी लोग कह रहे थे कि एक तरीके से ये प्रहार है। लेकिन अब अपने ट्विटर हैंडल से मनोज मंतशिर शुक्ला ने सुबह 7:57 पर यह ट्वीट किया है, जिसमें स्वीकारा है कि आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं, मैं इसको स्वीकारता हूं। जी न्यूज से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की थी मनोज मंतशिर शुक्ला ने कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले, और तब भी उन्होंने स्वीकारा था और एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया सुबह 7:57 पर मनोज मंतशिर शुक्ला ने, जी न्यूज आपको लगातार फ्लैश कर रहा है वो ट्वीट दरअसल क्या था, और स्वीकारा है खुलकर कि मैं स्वीकारता हूं, हाथ जोड़ता हूं, माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, बिना शर्त क्षमा मांगता हूं कि लोगों की जिस तरीके से भावनाएं आहत हुई हैं इस फिल्म के डायलॉग्स के माध्यम से, इस पर सवाल भी उठे थे, उस पर क्षमा मांगता हूं। तो कई ऐसे डायलॉग्स थे जिन पर लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी और ट्विटर पर मनोज मंतशिर शुक्ला के खिलाफ कई ट्वीट्स भी सामने आए थे। हालांकि मनोज मंतशिर इसको लेकर लगातार सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो पटकथा लिखी गई है उसको लेकर वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो उन्होंने लिखे हैं और इसलिए ये डायलॉग्स लिखे हैं ताकि आज की जो जनरेशन है उसको ये डायलॉग्स और ये पूरी कहानी आसानी से समझ आ सके। लेकिन जो डायलॉग्स और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर लगातार मनोज मंतशिर घिरते हुए नजर आ रहे थे और अब मनोज मंतशिर ने अंततः ट्वीट कर ये सफाई भी दी है और साथ ही उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। Z News.